देखें जी, ये जलेबी है और इनका नाम भी जो है जलेबी ऑलवेज के नाम से। माशाल्लाह बहुत अच्छी, देखें जलेबियाँ पक रही हैं। कलर भी इनका बहुत अच्छा है। तो ये शीरा है, ये शीरा है ना? हाँ जी, ये देखें जलेबी का शीरा है। तो ये कैसे देते हैं आप इसकी प्राइस? क्वेश्चन है 3 पाउंड का, हाफ के जी 450 की है और केजी 9 पाउंड का। हाँ जी, ये 9 पाउंड का केजी है और हाफ जो है वो 450 का, और पोर्शन जो है ये 3 पाउंड का। तो मुझे आप ऐसा करें प्लीज, एक पोर्शन दे दें इसका। जो भी से चीज बनती है फ्रेश बनती है। अच्छा अच्छा, जो भी बनती है फ्रेश बनती है। माशाल्लाह देख देख सकते हैं आप, ये पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं बेहतरीन। माशाल्लाह कलर भी इनका अच्छा है। तो ये किस तरीके से आप देते हैं? ये भी सेम जलेबी के साथ। अच्छा, मतलब 3 पाउंड का पोर्शन और हाफ के जी 450 का है। तो ये कतलम्मा आप कितने का देते हैं? कतलम्मा 270 का है। ये 270 का एक कतलम्मा है। और शीश कबाब? अच्छा, 1 पाउंड का एक शीश। ये चिकन है ना? जी ये चिकन शीश कबाब है। और समोसा आप कितने का देते हैं? हाँ जी, ये देखें 80 पेंस का एक समोसा है। माशाल्लाह तो चलें, मुझे आप जो है एक पोर्शन जलेबी दें तो मैं आपको ट्राई करूंगा इसको। लग तो अच्छी रही है माशाल्लाह। ये वेजिटेबल समोसे हैं, ये देख सकते हैं जी, वेजिटेबल समोसे हैं ये। प्यारी प्यारी जलेबी। वाह माशाल्लाह जी, थैंक यू। तो ये अंदर पैसे पे करने हैं? अच्छा जी, सही है। जी ये रियाज स्वीट सेंटर है और यहाँ से मैंने जो है आधा किलो जलेबी ली है। खोया बर्फी भैंस के 100% खालिस दूध से बनाई गई। तो चलें, ये खोया बर्फी भी हम ट्राई करेंगे। और गाजर का हलवा है और ये इनके पकौड़े, समोसे, कबाब्स और ये रायता चटनी है। ये आधा किलो है जी। नहीं, उसने तो कहा 450 है भैया ने। ओवर हाफ किलो, उससे मैंने हाफ केजी कहा है। मैं हाफ का देता हूँ। हो सकता है उसने प्यार और मोहब्बत में उसने डाल दी होगी। वैसे आईजी के साथ डालता है बस। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मुझे नहीं पता था 459 है। जैकिल तो कभी लिया नहीं। नहीं, वो मैं ऐसे ही समझा, मैंने कहा हाफ के जी नहीं, मजा नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे ना वो कभी कम डाल दे फिर आपका नुकसान, हमें फायदा है। सही है। अच्छा माशाल्लाह, ये दो लड्डू भी डाल देना यार। तो ये मैं रिव्यू करता हूँ फूड का, तो इंशाल्लाह ये मैं आपका रिव्यू करूँगा यूट्यूब के अंदर। और मुझे जलेबी बहुत अच्छी लग रही है, तो माशाल्लाह मिठाई भी अच्छी होगी। तो जी ये देखें, माशाल्लाह लड्डू बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो मैंने 2 मोतीचूर के लड्डू लूँगा, ट्राई करूँगा।
चले भाई ये बर्फी भाई ये कितनी है ये मतलब वेट में? इसका हर डब्बे का डिफरेंट वजन होता है। अच्छा अच्छा अभी हम वजन कर देंगे जब आप बताएगा ये डब्बा कर दो। हाँ चले इसका भी वजन करें आप। हाँ ये बताया चले ये इसको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और इसकी मैं खीर बनाऊंगा और उसमें ये डालूंगा। मैं खुद भी कुकिंग करता हूँ तो ये बिल्कुल जी इस्मोलित पार्क के अपोजिट है रियाज स्वीट सेंटर। तो आज मैंने यहाँ से जलेबी ली है, दो लड्डू लिए हैं और उसके साथ ही बर्फी ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम, ये रियाज भाई हैं। तो आज मैं इनकी शॉप में आया हूँ रियाज स्वीट सेंटर इस्मोलित बर्मिंघम, बिल्कुल अपोजिट जो है इस्मोलित पार्क में है। तो हमने यहाँ से कुछ मिठाई ली है। तो ये काफ़ी अरसे से मतलब है कि यहाँ पर लोकल मिठाई की शॉप है और आज मैं जो आया हूँ, मैं वैसे मैं नॉर्मली हम समोसे कतलम में इनके लेते रहते हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो आज मैंने जलेबियाँ पक रही थी बाहर गरम गरम, तो मैंने वो देख कर ले ली हैं और रियाज भाई से जो है फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ। तो चलें इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू दूंगा अपने, तो उम्मीद करता कि अच्छा लगेगा। तो ये देख लें जी, मुझे भी तकरीबन जो है ये 602 क्वांटी रोड पे शॉप है ना, ये हमारी होती थी। ये सफदर के नाम से हुसैन न्यूज़, वो मेरे मामूजात भाई हैं और इनके भाई हैं और मेरे मतलब है कि बहनोई भी हैं। तो चलें ठीक है, अच्छी बात है कि अल्लाह ताला आपको बिजनेस को कामयाब करे और तरक्की दे जी। ये बिल्कुल इस्मोलित पार्क के अपोजिट है जलेबी के नाम से रियाज स्वीट है, ये रियाज स्वीट। और आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें, मैंने आज जलेबी ली है तो इंशाल्लाह आपको जलेबी खाकर बताऊंगा कि कैसी लगी है जी। हमने आज इन भाई से जो है जलेबी ली है और इनके हाथ की बनी हुई जलेबी हम जो है खाएंगे और इसका रिव्यू देंगे। थैंक यू भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर डे। एंड मेरी तरफ से जितनी भी माएँ हैं उनको बहुत बहुत मदर डे की मुबारक हो। और आप जो है फैंटास्टिक जॉब है जो आपकी जिम्मेदारी और जो आप अपने औलाद के साथ करते हैं। अल्लाह ताला जो है माँ एक बहुत ही अजीम चीज़ बनाई है दुनिया में जो है, माँ बाप वालदैन। और मैं ये चाहूँगा कि जिनके वालदैन जिंदा है अल्लाह ताला उन पर अपना रहम और करम करें, और जिनके वालदैन फौत हो गए हैं या जिनकी वालद या वालदा, तो अल्लाह ताला उनको सब जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो मैं इससे जो है अपना रिव्यू आज स्टार्ट करूँगा। आज मैं शॉपिंग के लिए बाहर गया था तो वहाँ पर मैंने जो है रियाज स्वीट सेंटर से कुछ मिठाई ली है तो उसका मैं रिव्यू भी दे रहा हूँ। तो देखें जी, हमने जो है जलेबी ली है और माशाल्लाह ये क्विक बहुत ही फ्रेश बन रही थी, तो अपने सामने जो है बन रही थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदी। और इसी तरीके से जो है लड्डू भी मुझे फ्रेश नज़र आए थे तो मैंने मोतीचूर के लड्डू ले लिए और बर्फ़ी। ये खोए की 100% खोए की बर्फ़ी है, तो मैंने कहा चलो इन तीनों चीज़ों का मैं आपको रिव्यू कर दूँ। और मैं शॉप पर भी गया तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो शॉप कैसी है। वो स्मॉल ही पार्क के बिल्कुल अपोजिट है रियाज स्वीट, तो ज़रूर आप उस पर विज़िट करना क्वांटी रोड के ऊपर स्मॉल हीट में। तो चलो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करता हूँ लड्डू से, और बर्फ़ी भी लड्डू, लेकिन लड्डू मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितने ये फ्रेश हैं, मैंने अभी टच ही किया इनको तो मुझे ये फ्रेश लग रहे थे तो मैंने लिए, तो बहुत ही फ्रेश है ये। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। मेन चीज़ है मिठाई है, मीठी तो होगी और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका मुझे, और फ्रेश है। मेन चीज़ है कि ताज़ी भी है, मेरी उंगलियाँ आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको, तो
बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आए हैं लड्डू, और ये लड्डू मेरे पूरा खाना है। लेकिन ये कि पहले आप लोगों को रिव्यू दे दूं, तो फिर उसके बाद तो जलेबी भी आप देख सकते हैं, वेरी फ्रेश, और अपने सामने जो है ये पकी हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी है, देख सकते हैं आप, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये इसका टेस्ट अच्छा लगा है, और मेन चीज़ इस शॉप की ऐसी है कि आपके सामने जो है ये जलेबी भी बन रही होती है, पकोड़े भी बन रहे होते हैं, समोसे भी बन रहे होते हैं, कतलम्बे भी बन रहे होते हैं, और नॉर्मली हम यहाँ से कभी कभार जो है इनके समोसे भी यूज़ करते हैं, लेकर आते हैं गरम गरम, इसी तरीके से कतलम्बे भी, तो बहुत अच्छे होते हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई करें। तो अब मैं बर्फी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये उन्होंने बताया और लिखा हुआ भी था कि ये 100% खोया की बनी हुई है बर्फी, तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप इसको, तो मैं इसको भी टेस्ट करूँगा, लगती तो अच्छी है और फ्रेश है। माशाल्लाह इनकी जो तीनों चीज़ें मैंने आज ये टेस्ट की हैं, मुझे तीनों जो है बहुत ही अच्छी लगी हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, फ्रेश भी है। तो मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप जो है रियाज स्वीट्स जो है यहाँ जाएं, और ये जो है 616 कंट्री रोड स्मॉल हीथ बर्मिंगम B10 OU2 इनका पोस्ट कोड है। तो ये हमारी लोकल शॉप है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जितने भी लोकल शॉप्स रेस्टोरेंट हैं तो उनके खाने को रिव्यू करूं, और YouTube के ज़रिए जो है लोगों को बताऊं कि भैया आपने कहाँ पर क्या चीज़ कैसी मिल रही है। तो मुझे जो आज मैंने ये चेक की है चीज़ें, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, फ्रेश भी हैं, टेस्ट भी अच्छा है। तो आप ज़रूर जो है रियाज स्वीट्स को जो है जाए वहाँ पर, और अगर आपको समोसे खाने का दिल करता है तो आप समोसे ले, फ्रेश जलेबी खानी है फ्रेश तो वो भी खाएं आप, तो हर चीज़ आपको फ्रंट में मिली हुई जो है सामने बन रही है। तो आपको जो पसंद कर रहे हैं, जो आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर लें और ट्राई करें, और अपना रिव्यू जो है मेरे कॉमेंट में देना कि मैंने जिन चीज़ों का जो रिव्यू दिया ये आपको कैसे लगे है। तो अगर आपको मेरा ये रिव्यू और विजिट और जो मैंने व्लॉग किया है रियाज स्वीट का प्लीज़ अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उसको शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।